Welcome student, today we learn how to solve an unseen passage for class 12th. तो इसके लिए अपन एक नया पैसेज लेकर के लिए आए हैं. श्रीनिवास रामानुजन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिकल जीनियस ऑफ द वर्ल्ड. तो श्रीनिवास रामानुजन हैं, वो संसार के महानतम जो गणितज्ञ हैं, उनमें से एक थे. ब्रोन इन ए पुअर ब्राह्मीण फैमिली, उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ. ही गेव नो इंडिकेशन ऑफ हिज हिडन टैलेंट, और उन्होंने अपनी छुपी हुई प्रतिभा है उसका कोई भी संकेत नहीं दिया. ही वॉज बोर्न एट इरोड इन कोयम्बटूर इन 1887. इनका जन्म 1887 के अंदर कोयम्बटूर के इरोड नामक जगह के ऊपर हुआ. हिज फादर वॉज एन अकाउंटेंट टू ए क्लॉथ मर्चेंट, और उनके पिता हैं वो एक व्यापारी के यहाँ लेखाकार का काम करते थे. हु हैड टू मेंटेन ए लार्ज फैमिली ऑन ए स्मॉल इनकम, और वो एक छोटी सी तनख्वाह के अंदर अपने बड़े परिवार का प्रबंध करते थे. श्रीनिवास वाज ग्रांटेड हाफ, श्रीनिवास है उनको दिया गया एग्जेम्प्टेशन यानी छूट ऑफ फीस. उन श्रीनिवासन को आधी फीस में छूट दी गई. वेन ही स्टूड फर्स्ट इन द प्राइमरी स्कूल एग्जामिनेशन इन द फूल तंजोर डिस्ट्रिक्ट, जब उन्होंने जो प्राथमिक विद्यालय की परीक्षा है उसके अंदर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया. फ्रॉम हिज चाइल्डहुड रामानुजन वाज ऑफ ए क्वाइट एंड ड्रीमी टेम्परमेंट, अपने बचपन से ही रामानुजन है वो शांत और स्वप्नशील मिजाज के थे. ही हैड आंसर टू ऑल सम्स दैट पजल्ड हिज क्लासमेट एंड सीनियर्स, वह उन सभी सवालों के जवाब देते जो उसके सीनियर और कक्षा के साथी हैं उनको परेशान करते या उलझन में डालते. फिगर्स डिड नॉट वरी हिम, संख्याएं उनको चिंतित नहीं करती थी. नो कैलकुलेशन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, और किसी भी प्रकार की जो गणना है वो उनके लिए ज्यादा परेशान नहीं कर सकती थी. थिंग्स विच वर डार्क एंड मडल्ड टू हिज क्लासमेट्स, और वो चीजें जो उनके साथियों को अंधेरे में या चकरा देती थी वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम, तो वह उनके लिए दिन के समान साफ थी. ही ऑलवेज हेल्प देम विथ जेनरोसिटी विच वॉज द मोस्ट लवेबल फीचर्स ऑफ हिज करेक्टर ऑल थ्रू हिज कैरियर, वह अपने जो साथी हैं उनकी उदारतापूर्वक सहायता करता और यही गुण उनके कैरियर या उनके जीवन का सबसे प्रिय लक्षण बन गया. When he was in second class, जब वो second class के अंदर थे, his curiosity upon the subject of highest truth in mathematics was roused. तो उनके अंदर इस चीज की जिज्ञासा जागृत हो गई कि किस तरह से जो उच्च सत्य गणित का है उसको खोजा जाए. Later on बाद में when he moved to the third standard, जब वो तीसरी क्लास में गए, he asked for problems of mathematics ऑफ हायर नेचर, तो उन्होंने उच्च प्रकृति की जो गणित की समस्याएं हैं उनको पूछना शुरू कर दिया. वाइल इन फोर्थ स्टैंडर्ड, और जब वो चौथी क्लास में हुए, ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उन्होंने त्रिकोणमिति की जो जटिल समस्याएं हैं उनको भी हल कर दिया. ही ऑब्टेन वालर्स थ्योरम एंड प्रूव्ड देम, उन्होंने एवलर्स की जो थ्योरी है उसको प्राप्त किया और उसको सिद्ध कर दिया. ही फॉलोड कार्स सिनोप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स, उन्होंने कार्स की जो संकल्पना है शुद्ध गणित की उसका अनुसरण किया. ही सॉल्वड ऑल द प्रॉब्लम्स विदाउट एनी अदर बुक टू ऐड हिम, उन्होंने सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वो बिना किसी किताब की सहायता के हल कर दिया. टू हिम, उसके लिए ईच सोल्यूशन वाज ए ट्रम्प विच एनकरेज्ड हिम, सभी प्रकार की जो हल हैं वो एक जीत के समान थे. विच एनकरेज्ड हिम, जो उसको उत्साहित करते थे टू ए फ्रेश एंडेवर, एक नए प्रयास करने के लिए. तो स्टूडेंट एनकरेज का मतलब आदमी कैसे प्रोत्साहित हो. और यदि आप ये जो चैनल है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी एनकरेज हो जाऊंगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और जरूर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें.
Ramanujan won Subramanyam Scholarship, usually awarded for proficiency in English as well as mathematics. Ramanujan है, उनको Subramanyam Swami की scholarship है या छात्रवृत्ति मिली, जो ज्यादातर दी जाती है अंग्रेजी में क्षमता के लिए और साथ ही गणित के लिए. But the passion of mathematics gained on him. लेकिन उन्होंने जो passion या जिस तरह की एक भावना गणित के लिए प्राप्त कर ली थी, he neglected all other subject. उन्होंने अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको नेगलेक्ट कर दिया या नजरअंदाज कर दिया. So much इतना ज्यादा that he failed to gain promotion to higher class, जिससे कि वो अगली कक्षा के अंदर उन्नति प्राप्त करने में असफल हो गए. thereby इसके उपरांत losing his scholarship, उनकी जो छात्रवृत्ति है वो भी चली गई. This was a great calamity of which he had never dreamed. और यह उनके लिए बहुत बड़ी आपदा थी जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था. He had no money. उनके पास में धन नहीं था. No means of earning. और कोई भी कमाई का साधन नहीं था. No books, किताबें नहीं थी. No influence, और ना ही किसी प्रकार का प्रभाव था. No help came to him from outside, और नहीं उनको कोई बाहरी सहायता मिली. He was now 18 without any definite plan. और इस तरह वो 18 वर्ष के हो गए और उनके पास में कोई भी आगे की योजना नहीं थी. He joined Parchayaspa's College Madras, और उन्होंने Parchayaspa College Madras को ज्वाइन किया. Now अब जो मद्रास का नाम चेन्नई हो गया है. But had to return home due to illness, लेकिन बीमारी के कारण वहां से भी वो घर आ गए. तो डियर स्टूडेंट, ये अपने जो पैराग्राफ पढ़ा ये गणितज्ञ रामानुजन के बारे में है. अब इसके अंदर अब इसका आंसर, सबसे जो पैराग्राफ का आंसर देंगे, तो ध्यान देने वाली पहली बात क्या है कि पहले तो अपन जो लाइन क्वेश्चन की अपन को पैराग्राफ में मिलती है वहीं से अपन को आंसर देना है. दूसरी चीज, जिस टेंस के अंदर अपना क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर देना है. तो अपन शुरू करते हैं. वेहर वाज रामानुजन बॉर्न, रामानुजन है उनका जन्म कहां हुआ था. तो ये देखना फ्रेंड, इस लाइन को देखो. ही वॉज बोर्न एट इरोड इन कोयम्बटूर इन 1887. तो ये लाइन उसका आंसर है, लेकिन ये प्रोनाउन ही है, इसकी जगह अपन रामानुज कर देंगे. तो रामानुज वॉज बोर्न एट इरोड इन कोयम्बटूर इन 1887, ये इसका आंसर हो गया पहले का. वाही डिड ही फेल टू गेट प्रमोशन टू हायर क्लास, वह अगली कक्षा में उन्नति पाने से क्यों असफल हो गया. तो डिड आ गया, यानी पास्ट टेंस के अंदर है. थिंग्स विच आर डार्क एंड मडल्ड टू हिज क्लासमेट्स वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम, चीजें जो उसके साथियों को चकरा देती थी वो उसके लिए दिन की रोशनी की तरह साफ थी कैसे. तो इसका आंसर देखते हैं अपन. तो इसका आंसर दो आप. फिगर्स डिड नॉट वरी हिम, नो कैलकुलेशन वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, सो थिंग्स विच वर डार्क एंड मडल्ड टू हिज क्लासमेट वर एज क्लियर एज डे लाइट टू हिम, ये इसका आंसर आ जाएगा. हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन थर्ड स्टैंडर्ड, रामानुजन है उन्होंने थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर अपना टैलेंट है उसको किस तरह से प्रदर्शित किया. तो इसका आंसर हो गया, इन थर्ड स्टैंडर्ड ही आस्क फॉर प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिशियन ऑफ हायर नेचर, ये इसका आंसर हो गया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज अनएक्सपेक्टेड क्लेमिटी दैट बीफाल रामानुजन, रामानुजन के लिए अप्रत्याशित आपदा है वो क्या क्या हुई. तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर हो गया, ही की जगह आप रामानुज कर लो. रामानुज फेल्ड टू गेन प्रमोशन टू हायर क्लास, देयर बाई लॉजिंग हिज स्कॉलरशिप, दिस वाज ए ग्रेट कैलेमिटी ऑफ विच ही हैड नेवर ड्रीम्ड, यहां तक आंसर आ जाएगा इसका. हाउ वाज रामानुजन सुपीरियर टू हिज सीनियर्स, रामानुज अपने जो सीनियर हैं उनमें उच्च कैसे था, इसका आंसर हो जाएगा, रामानुज
was superior to his classmate, that he had answered all sums that puzzled his classmate and seniors. ये इसका आंसर आ गया। अगले तीन क्वेश्चन वोकैबुलरी से संबंधित हैं, तो साइन इसका तो इंडिकेशन आ गया था, इंस्पायर इंस्पायर यानी एनकरेज्ड, इंस्पायर यानी प्रेरणा देना, और इग्नोर्ड का आ जाएगा नेग्लेक्टेड। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको एक जो पैसेज है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसको सोल्व करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।